We will see it on the 8th when the boxes are opened. We're hopeful they will support National Conference and Congress Alliance. Dr. Saab, ये खबरें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में है, वहाँ पे अपोनेंट पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, कहाँ तक ये दुरुस्त है? आपने मेरे ख्याल से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें इट इज बीन डिनाइड। हम लोग कोई बात पीछे दरवाजे से नहीं करते, बात करेंगे तो सामने करेंगे, छुपा के बात करने वालों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। सर, अब कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है, तो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कौन होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? उसका इंतज़ार कीजिए, 8 तारीख के बाद फैसला होगा और आपके सामने चीफ मिनिस्टर खड़ा होगा। नज़रें उमर अब्दुल्ला साहब पे है, क्या वो दुरुस्त कैंडिडेट है इसके लिए? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा पे अब सारी नज़रें हैं। क्या हरियाणा में आज इलेक्शन हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत बड़ी बहुमत से कामयाब होकर आएगी। सर, ये महबूब मुफ्ती की तरफ से एक बयान आया हुआ है कि जो भी यहाँ पे सरकार बनेगी पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी, अलायंस करनी पड़ेगी। देखिए, हर एक अलायंस की बात करता है, कोई बीजेपी के अलायंस की बात करता है, कोई महबूबा मुफ्ती की अलायंस की बात करता है। ये सब चीज़ें 8 तारीख को सामने आएंगी। डॉक्टर साहब, कल मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला डायलॉग से हल होना चाहिए और हमने कई सारे जनरेशन्स खोई है। अल्लाह करे, जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर शंघाई मीटिंग में पाकिस्तान जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि उस चीज़ वहाँ पर बात करके कुछ मामले तय हो सके और दुश्मनी दूर हो और दोस्ती का रास्ता लिया जाए। जहाँ तक सवाल है नफ़रत का, वो बढ़ रही है। अब देखिए, कल ही एक साहब ने एक जो संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनने हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत सख्त है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं उम्मीद करूँगा कि हुकूमत हिंदुस्तान इस पर नज़रसानी करेगी और देखेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। हमें मज़हबों के में दोस्ती रखनी है, नफ़रत पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है। मीरवाइज का कहना है कि जो समिट होने वाली है उससे जो नफ़रतें हुई थी दोनों देशों में वो दूर हो जाए और पाकिस्तान इंडिया को आगे आना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो जब बातचीत होगी उसके बाद ही पता लगेगा।